छत्तीसगढ़ के लाइवलीहुड कॉलेज से आंध्र प्रदेश के नेलूर जिले के ग्राम मिंगपुर गांव में गए लड़के एवं लड़कियों का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह भूपेश बघेल से छत्तीसगढ़ वापसी के लिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। कांकेर जिला सहित अन्य जिले के 80 से ज्यादा लड़के व लड़कियां लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। बता दें, यह सभी छात्र छात्रा रोजगार के लिए लाए टेक्सटाइल मिल में प्लेसमेंट के तहत काम करने गए हुए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते वापस अपने घर नहीं आ पा रहे, जिसके चलते उन्होंने छत्तीसगढ़ शासन से जल्दी छत्तीसगढ़ वापस बुलाने की अपील की है। यहाँ पर जो लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, जो कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र से हम लोग ट्रेनिंग करके जॉब प्लेसमेंट हुआ है आंध्र प्रदेश में, तो हमें मतलब एक बार कलेक्टर से मतलब गुहार कर चुके हैं कि यहाँ से मतलब जाना है करके, लेकिन यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और यहाँ पर सभी को, जितने भी लोग फंसे हुए हैं, उनको सभी को यहाँ पर दिक्कत परेशानी हो रहा है। छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ राज्य से हैं और हम लोग का डिस्ट्रिक्ट कांकेर कोंडा गांव से हैं, जो हम लोग डीडीओ जी के संसद से, जो हम प्लेसमेंट के आंध्र प्रदेश बैंक कंपनी है, कंपनी का नाम रॉयल टेक्स कंपनी, जो वहाँ के हम लोग जो सीजी से लड़की करीबन 65 लोग हैं और लड़का 17 लोग हैं, तो कुल मिला के हम लोग 85 लोग हैं। तो हम लोग यही रिक्वेस्ट करते हैं हमारे सीजी के सीएम माननीय भूपेश बघेल से, यही निवेदन करते हैं कि हम लोग अति शीघ्र हमारे सीजी मिले जाने का कष्ट करें और हमारे घर से जाने का कष्ट करें। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए IDP24 न्यूज। और हाँ, YouTube में हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें।